अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेफ़ फैसल चैनल और मैं हूं शेफ़ फैसल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज बेनज़ीर बनू बीफ पुलाव। चलिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए काली मिर्च साबुत एक खाने का चम्मच, ज़ीरा एक खाने का चम्मच, दार चीनी 2 इंच जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लौंग 7 से 8 अदद, सब्ज़ इलायची 6 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, बादियानी फूल 2 अदद। इन सब मसाला जात को हम जार में बंद करके अच्छी तरह पीस लेंगे। देखिए हमारा मसाला तैयार है, इस मसाले को हम साइड पर रख देंगे। अब हम 1 पॉट में 2 कप तेल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई 4 अदद प्याज डालेंगे और इसको तब तक तलेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज ब्राउन हो रही है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने का चम्मच और तेज़पात 3 अदद शामिल करके 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज का अपना कलर निकल आए और ये जले नहीं। अब हम इसमें गाय की गोश्त की छोटी छोटी बोटियां 2 किलो शामिल करेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसका रंग तब्दील ना हो जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका रंग तब्दील हो गया है। अब इसमें हम टमाटर दरमियानी 4 अदद, दादर लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 4 खाने के चम्मच या हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पुलाव मसाला जो हमने तैयार किया था इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसमें 6 गिलास पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दरमियानी आँच पर ढक के 1/2 घंटे के लिए पकने देंगे, जब तक गोश्त डल ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पे 1/2 घंटा हो चुका है और हमारा गोश्त माशाल्लाह से गल गया है। अब हम इसमें दही 1 कप, इमली का गूदा 1 कप शामिल करके तेज आंच पर भूनेंगे जब तक तेल अलहदा ना हो जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसका तेल अलग हो गया है। अब हम इसमें पानी 14 गिलास शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करके इस पानी को उबलने देंगे। पानी हमारा उबल चुका है और अब हम इसमें 2 किलो चावल जो कि हमने भिगो के 1/2 घंटे के लिए रखे हुए थे वो इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे ताकि चावल लदा लदा हो जाए और तेज आंच पे पकाएंगे तब तक जब तक के इसका पानी आधा बाटी ना रह जाए। तकरीबन पानी हमारा अच्छे से कुछ हो चुका हुआ है, थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसको ढक कर दम पे 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। 15 मिनट हो रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे चावल तैयार हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हुए हैं। इसको आप रायता सब चटनी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब रेसिपियाँ हमारे चैनल पर मौजूद हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल देखने का। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।